अनबॉक्सिंग में जो है कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए, उसके लिए सभी लोग मौजूद हैं यहाँ पर। तो बहुत ही बढ़िया सा, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही बेहतरीन सा गिफ्ट है। तो भाई साहब जल्दी खोला जाए। कार जी कैसे हैं आप लोग जी, स्वागत करते हैं आपका अपने स्नेह ब्लॉग में। तो जी देख सकते हैं हमारे पीछे कितना सारा गिफ्ट है और सभी लोग यहां पर बैठे हुए हैं, लड्डू भी पीछे है। और लड्डू को तो इस वीडियो का बहुत ज्यादा इंतजार था, आप लोगों को भी इंतजार था। आप लोगों का कमेंट देख रहे थे कि जी गृह प्रवेश में गिफ्ट तो बहुत सारे आ रहे हैं, उसकी अनबॉक्सिंग करके भी एक बार वीडियो जरूर डालिएगा। तो जी हमारे घर में जितना भी फंक्शन होता है, जितना भी गिफ्ट सब आता है, सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, तो इस बार भी शेयर करेंगे। शुरुआत करते हैं इस अनबॉक्सिंग की। सारे गिफ्ट है जी, तो सारे गिफ्ट की अनबॉक्सिंग करने से पहले आपको बता दे, जो एक कमेंट बार बार आ रहे थे कि नैन्सी दीदी के ससुराल से कोई नहीं आया, क्यों नहीं आया तुम्हारे ससुराल से कोई? मेरे ससुराल से आए हैं पापा जी और दीदी। दीदी तो देख सकते हैं जी यहाँ पर दीदी मौजूद है। ये जीजा जी की दीदी है, जीजा जी की दीदी है। और इसके अलावा जो है पापा जी वहाँ सो रहे हैं। बिल्कुल पापा जी वहाँ सो रहे हैं और वीडियो में उनको कई बार हमने दिखाया भी और हम भी पापा जी ही बोल रहे थे, तो कोई समझ नहीं रहे थे कि वहाँ नैन्सी दीदी के पापा जी। नैन्सी की जेठानी इसलिए नहीं आई, नैन्सी के सास तबीयत खराब है, एक आदमी को घर में रहना बहुत जरूरी है, तो उसके लिए इनकी ननद और इनके ससुर जी आए। तो उम्मीद करते हैं जी आपका सारा कंफ्यूजन जो है दूर हो गया होगा और अब ज्यादा देरी नहीं करते हुए शुरुआत करते हैं अनबॉक्सिंग की। तो सबसे पहला गिफ्ट जो है लड्डू खोला जाए, कौन सा गिफ्ट है? कोई भी खोल लो, इतना सोचो मत। हेलो ये है यानी कि ये जो हम उस बिल्डिंग में रहते थे, हाँ हाँ। तो उनके सामने वो रहती हैं भाभी। अच्छा मैं खोलूं? खोलो खोलो, ये वैसे आधा खुल ही चुका है, तुम फॉर्मेलिटी पूरा कर। यहाँ मिला हुआ है जी बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही बेहतरीन सा गिफ्ट, तो देख सकते हैं राधा कृष्ण का शुरुआत हुई है राधा कृष्ण से। हाँ बिल्कुल, तो बहुत ही जबरदस्त शुरुआत हुई है। अब जो है दूसरा गिफ्ट खोला जाए, लड्डू कोई भी उठा लो जल्दी से, खोला जाए दूसरा गिफ्ट। दूसरा गिफ्ट खोला जा रहा है, वो क्या है? दूसरा गिफ्ट है राहुल सोनिया जो कि हमारे ही सोसाइटी में हमारे फ्रेंड है। ठीक है, तो गिफ्ट को खोला जाए, चाकू लिया जाए ताकि जल्दी जल्दी खुल जाएगा फटाफट एकदम। चाकू किधर रखा गया था? ऊपर है वो, ऊपर। ठीक है खोला जाए, ठीक से गन्नू तुम्हारे पीछे ना लग जाए, तुम्हारा डायपर कट जाएगा। खुल गया है दूसरा गिफ्ट, दूसरा गिफ्ट क्या है? ये हमको इसमें जार नजर आ रहा है शायद, हाँ ये उन्हीं के द्वारा था, राहुल और सोनिया जी के द्वारा, जो कि नैन्सी दीदी के सोसाइटी में ही है, उनकी पड़ोस भी में हुई। खोला जाए, यहाँ देख सकते हैं जी बहुत ही प्यारा सा यह जार है, तीन है, हाँ तीन है, तीन जार का सेट। इसमें ड्राई फ्रूट रख सकते हैं अपना मसाला, नहीं उसे ड्राई फ्रूट ही रखता है लोग, लग्जरी जार है। इसमें ड्राई फ्रूट ही रखता है, तो सोनू अभी बाजार जाएगा काजू बादाम लेकर, अगला गिफ्ट देखा जाएगा, नहीं होगा तब ना सोनू को बताएगा। बिल्कुल दोस्त की तरफ से सिद्धांत। अच्छा तुम्हारे दोस्त की तरफ से, तो लड्डू के दोस्त ने क्या गिफ्ट दिया है देखते हैं जी। और बाकी इधर गतिक जो है सारे गिफ्ट के पहाड़ पर चढ़ रहा है यह, वाह बहुत ही अच्छा। और तब तक लड्डू अपना फाड़ लिया इधर, जैसे ही फाड़ा जल्दी इसको खोला जाए। अब लड्डू का जो रफ्तार है गिफ्ट को खोलने का, इसको इंतजार करते करते लगता है शाम हो जाएगा गिफ्ट का अनबॉक्सिंग करते करते, तो ये मम्मी को खोलने भी नहीं दे रहा है। अच्छा ये बॉल सेट है, बहुत ही प्यारा सा बॉल सेट। तो लड्डू के फ्रेंड ने जो है बहुत ही अच्छा गिफ्ट दिया। और अब अगला गिफ्ट क्या है? ये भी मेरे दोस्त की तरफ से। ओके भावेश, वाह लड्डू के दोस्त की तरफ से बहुत गिफ्ट आया। गन्नू जो है बेचैन हो रहा है, क्या हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। हाँ जल्दी जल्दी लड्डू खोला जाए, एकदम फटाक फटाक एकदम जल्दी से। और यह मिला हुआ है शायद लगता है बिरयानी वाला है, बिरयानी बनाने वाला। हाँ हाँ कैसरोल है क्या? कैसरोल है, ओके नहीं बिरयानी बनाने वाला नहीं है वो, बिरयानी बना के रखा जाएगा। अच्छा रखा जाएगा इसमें क्या कमेंट है? तो बहुत ही प्यारा सा यह कैसरोल है जी। थैंक यू लड्डू के दोस्त भावेश को। ये गिफ्ट किसका है? इसमें वो नहीं था, नाम नहीं है, नाम नहीं लिखा हुआ है। तो चलिए जी जिनका भी गिफ्ट होगा वो इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो आपका गिफ्ट जो है हमें मिल गया है और उसको अनबॉक्स भी कर रहे हैं, लाखों लोग भी देख रहे हैं। तो यह मिला हुआ है बहुत प्यारा सा ग्लास का सेट है, जो कि बहुत बहुत सुंदर है। दीदी इधर देखिए, कल होगी पार्टी, मैं बैक साइड से खोल रही हूँ। ये है हमारा भावना सोनी, ये हमारी नेवर है, सोसाइटी में ही रहती है। तो नैन्सी दीदी की पड़ोसन है यह, जल्दी खोला जाए देखा जाए। बहुत ही बड़ा जैसा कॉटन है, कॉटन के अंदर क्या है, पिटारी के अंदर क्या है,
तो गिफ्ट की जो है पैकिंग बहुत ही अच्छे से हुई है, खोलने में जो है काफी समय लग रहा है। हम गलत तरीके से खोल रहे हैं। वो बात यूज किया था बिल्कुल, ये हटाया जाए भाई साहब, डब्बा के अंदर डब्बा, डब्बे के अंदर डब्बा। ओए क्या है, कुछ ऑर्डिनरी सेट है क्या? अब भाई अभी तक तो हमें समझ में नहीं अच्छा, जब इसको जोड़ा जाएगा तब पता चलेगा, हमें तो इसका फाइनल लुक नहीं पता है। कोई नहीं, जब इसको जोड़ा जाएगा तो उसका भी एक वीडियो डाल देंगे। हमें समझ में नहीं आ रहा है क्या लुक होगा, क्योंकि लैंप है इतना जरूर पता चल गया है। ये रहा इसका ऊपर का, अच्छा ऊपर का ये रहा, उसके नीचे ये लग जाएगा होल्डर और नीचे ये स्टैंड है। वाह बहुत बढ़िया, ग्लोब टाइप का है। ओके ओके, तो बहुत ही बढ़िया सा, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही बेहतरीन सा गिफ्ट है। अब अगला गिफ्ट खोला जाए, और अगला गिफ्ट का खोलने से पहले जो है नाम पढ़ लिया जाए, राहुल रंजन। तो ये हमारे टोली भैया के द्वारा है। हाँ, तो हम फैमिली वाला बाद में दिखाएंगे। तो फैमिली वाला बाद में दिखाएगी। हाँ। चलो कोई बात नहीं, पहले अपने नेबर का दिखा लो। ये भी है श्रेयांश की फ्रेंड नीति। तो श्रेयांश की फ्रेंड है वह नीति, तो देखते हैं क्या गिफ्ट दिया है। और बहुत ही लिटिल लिटिल सा, प्यारा प्यारा सा, बेहतरीन सा, नन्हे मुन्ने बच्चे, बहुत ही प्यारे से, बहुत ही जबरदस्त सा। अच्छा टर्टल, वाह 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 वाह, जबरदस्त। ये ऐसा होता, कहते हैं ना कि ये कोई खुद नहीं खरीदता है, ये गिफ्टेड ही होना, गिफ्टेड ही होना चाहिए। और आज मेरे पास ये है लकी वाला। सही है, इसके लिए क्या है, इसी में बॉल में रखा जाता है क्या? बॉल में रखा जाए, बॉल को उसमें थोड़ा पानी डाल दीजिए। ये देखो, वाह वाह वाह, बहुत ही बढ़िया नीति, बहुत ही सुंदर गिफ्ट दी हो। तो सही में जी, तो लड्डू की फ्रेंड ने काफी अच्छा गिफ्ट दिया। अब अगला गिफ्ट खोला जा रहा है, ये किनके द्वारा है? ये भी श्याम की फ्रेंड होंगी। तो जल्दी से खोला जाए, टॉय है तो ये गति के लिए होगा, टॉय गन्नू के लिए टॉय है। हाथी राजा किधर चले? अच्छा ये कर फोटो भी बना हुआ है बिल्कुल, वो जो कार्टून हाथी राजा वाला है वैसा ही। बैटरी नहीं है, ऐसे बैटरी लेगा, ये खेलने वाला होगा। अच्छा बैटरी वाला है, ओके ओके। अगेन गिफ्ट की बारी आती है मेरे फ्रेंड के। तो श्रेयांश के फ्रेंड की तरफ से बहुत ही अच्छा अच्छा गिफ्ट आया हुआ है, बहुत ही अच्छे क्वांटिटी में गिफ्ट आया हुआ है। और यहां इधर देख लो क्या हो रहा है, कितना बढ़िया है वो देखो, गिफ्ट का अनबॉक्सिंग भी हो रहा है, साथ में उसका प्रोटेक्शन भी किया जा रहा है। तो अगला गिफ्ट खोल लिया गया है, और अगला गिफ्ट देख सकते हैं यहां मिला हुआ है श्रेयांश के फ्रेंड जो है तेजस के जरिए, और तेजस का भी गिफ्ट देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा सा बॉल सेट मिला हुआ है। ये भी एकदम ड्राई फ्रूट रख के एकदम गेस्ट को परोसी है इसमें, बहुत ही बेहतरीन सा रहेगा, गेस्ट भी कहेंगे क्या बेहतरीन से एकदम बॉल सेट में गिफ्ट मिला हुआ है। तो लग रहा है कि नंसी से ज्यादा फ्रेंड श्रेयांश का है। बिल्कुल गिफ्ट ज्यादा श्रेयांश के ही फ्रेंड का है। और ये है हमारे दिलीप मामू, दिलीप मामा जी। अच्छा, जो कि इनके फ्रेंड है हिरेश भैया, इनके मामा जी हैं, और हमारी फैमिली मेंबर्स हैं। ओके ओके ठीक है, खोला जाए इसको, मामा जी का गिफ्ट जल्दी से खोला जाए। और क्रियांश भी आ गया है गिफ्ट की अनबॉक्सिंग करने के लिए बीच में। मुझे लगता है ये भी कोई सेट नहीं है, ये भी कोई सेट है। ओहो जबरदस्त पिकल सेट ये, वाह वाह बहुत ही यूनिक सा गिफ्ट मिला है, बहुत ही वैरायटी का गिफ्ट मिला हुआ है। दिखाओ पहले तुम नीचे, यहाँ पे सब आ गए अनबॉक्सिंग करने। अनबॉक्सिंग में जो है कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए, इसके लिए सभी लोग मौजूद हैं यहाँ पर। अनबॉक्सिंग करेंगे। हाँ ओए ओए क्या है, ये है हमारे अनु भैया के भाई। अच्छा ओके, अतुल भैया जिसका की टैग ये पहुंच चुका है। तो खोला जाए इनके गिफ्ट को, तो देखते हैं क्या है यार। ओए होए होए, यहाँ पे अब सब आए हैं, बारी बारी सब आ गए हैं, सब सोच रहे हैं कि हमें मौका मिले कोई चूक ना जाए। बिल्कुल जय जय जय। तो इन्हीं बच्चों के बीच में जी, इन्हीं नन्हे मुन्ने बच्चों के बीच में हो रहा है गिफ्ट की अनबॉक्सिंग, और लड्डू कोई बात नहीं, बहुत ही मजेदार हो रहा है अनबॉक्सिंग। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लग रहा है आप लोगों को। और बीच बीच में आपको रोने की भी आवाज आएगी, क्यों? क्योंकि ये लोग ना गिफ्ट ले लेते हैं, उनसे छीन ले लेते हैं, रोने लगते हैं। मैं निकाल के दिखाती हूं, ये भी मेरा जादू की छड़ी। वाह 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 बहुत बढ़िया, थोड़ा सा अंदर अटक गया, इसको हैरी पॉटर की तरह बोलो, रिंगेंडियम लेबियोसा लड्डू, दोनों एक कैटेगरी में, इसके अंदर अटक गया हुआ है ये। बहुत ही प्यारा सा है राधे कृष्ण, और ये राधा कृष्ण की बांसुरी। वाह वाह वाह, जिया के
बिल्कुल फेवरेट बाल गोपाल, नंद गोपाल हो गया। और ये दोनों मेरे नंद गोपाल, नंद गोपाल तो यहाँ पे लड्डू गोपाल हमारे दो दो हैं ही, साथ में यहाँ राधा कृष्ण का यहाँ मिला हुआ है मूर्ति। थैंक यू जी बहुत ही प्यारे से गिफ्ट के लिए। और अगला गिफ्ट खोला जाए, अगर इसमें नाम है तो पढ़ लिया जाए। मैं नाम बताती हूँ, ये है हमारे फ्रेंड है सावन भैया और अर्चना, अर्चना जी ठीक है ओके, जो कि इसी सोसाइटी में रहते हैं। इनका गिफ्ट देखा जाए, जल्दी खोला जाए श्रेयांश, एकदम फटाफट। श्रेयांश है कि खुद खोलेगा और थोड़ा सा लेट भी लग जाए कोई बात नहीं। यहाँ मिला हुआ है क्या, एक दीवाल घड़ी, तो देख सकती है बहुत ही प्यारा सा दीवाल घड़ी और बहुत ही बड़ा साइज का है, बिल्कुल घर के इस कोने से भी टाइम देखना चाहेगा तो उसको ना के दिख जाएगा एकदम, इतना बड़ा घड़ी है यार। तो थैंक यू जी बहुत ही प्यारे से गिफ्ट के लिए। ये गिफ्ट जो है वो विदाउट नेम है, तो जिनका होगा वो बिल्कुल वो वीडियो देख रहे होंगे, तो आपका गिफ्ट मिल गया है जी। हम भी देख रहे हैं, हमारे साथ साथ हमारी यूट्यूब फैमिली के सभी लोग देख रहे हैं, तो जल्दी से इसको खोला जाए। हाँ तो यह है बाउल सेट, खोला जाए। पुडिंग सेट, सारे बाउल दिखाएंगे हमारे, ये देखो बुगू और बुगू, ये गतिक, ये देखो, ये देखो क्या है। अब गतिक जो है अब आ गया है मम्मी के गोद में, चाकू चाहिए, ये देखो, ये देखो, ओए होए क्रियांश, निकाल के आपको दिखाएगा हमारा बेटा, कैसा बेटा दिखा दीजिए सबको, इसको तुरंत फोड़ देगा दिखाने में, इसलिए इसके हाथ से ले लिया था। नहीं बुगू अभी हमारा अच्छे से क्वालिटी चेक कर रहा है, क्वालिटी असेसमेंट कर रहा है। तो देख सकते हैं जी अब अगला गिफ्ट यहाँ मिला हुआ है, हमारे हिरेश भैया के मौसा जी हैं, ओके संजय मौसा जी, हाँ हाँ उनका है और वो उनकी पूरी फैमिली तुम्हारा ब्लॉग देखती है। अच्छा वाह हमारे सब्सक्राइबर, ये मजा आ गया। तो देखा जाए जी हमारी यूट्यूब फैमिली के प्यारे से सदस्य का यह सूप सेट है, वाह सूप हमें अच्छा भी बहुत लगता है। तो यहाँ पर जितना जितना चीज बना, अब बस एक ही चीज सोनू ये ना कहे आप जल्दी से सूप बनाया जाए, बिल्कुल बना लिया जाए एकदम। इसी बात पर जब सारा बर्तन मिल ही गया है तो हर बर्तन का इस्तेमाल होना चाहिए। वाह 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 हमारा बेटा भी चाह रहा है जल्दी जल्दी सूप बने, तो पहले से ही बॉल सेट ले रहा है, देखिए गुस्सा आ गया अभी, इसको सूप चाहिए ही चाहिए। क्रियांश हमारे पास शिकायत करने के लिए कि मुझे वह बॉल सेट चाहिए। अब खोला जा रहा है अगला गिफ्ट, पहला गिफ्ट क्या है, ये है मम्मी की फ्रेंड जो हमारी लखनऊ की है, अन्नू की मम्मी, इनका नाम है किरण, हम लोग अन्नू की मम्मी जो है मम्मी ऐसे जानती हैं, मतलब बुलाती हैं, और वो भी अब गाजियाबाद वसुंधरा शिफ्ट हो गए हैं, उन्हीं को वो भी आई थी हमारे यहाँ पे। अच्छा अच्छा ओ भाई साहब जल्दी खोला जाए वरना गिफ्ट अनबॉक्सिंग करते करते हम लोग पागल खाना पहुंच जाएंगे। ये तुम्हारा सब्सक्राइबर भी है। अच्छा सब्सक्राइबर भी है, वाह काफी अच्छा लगा जान करके। तो थैंक यू जी हमारी वीडियो को देखने के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, और यह है जूस का सेट, वाह 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 जबरदस्त। जन्मदिन में बचा था जूस इसी को बना के नहीं पी पाए थे, यहाँ पिएंगे बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, तो पहले खोल लिया जाए। ओए होए पैकिंग तो बड़ा जबरदस्त हुआ है, ये बहुत हुआ है नन्हे मुन्ने के साथ भी हुआ है, फर्स्ट क्लास हो रहा है एकदम। एक तो कैप्चर करके बैठा हुआ है, गिफ्ट के ऊपर नहीं देंगे इसको, अपना हाथ ही मिल गया है। खींचो 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 जल्दी जल्दी खींचो, तुरंत खींचो, ओए होए होए क्या मस्त लग रहा है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा सा जग का सेट, बिल्कुल। तो जूस का यह बहुत ही प्यारा सा सेट है, तो थैंक यू जी, थैंक यू इतने प्यारे से और बेहतरीन से गिफ्ट के लिए। डब्बा ले कैसे लिया, मेरा हाथी मेरा हाथी मेरा हाथी हाथी का, इसका हाथी का टांग लेगा, हेलो हाथी का टांग ले लो, हाथी ये रखा है उसका एक टांग ऊपर रखा, हाथी के हाथ तक बिल्कुल। ये गिफ्ट है जिसमें नाम नहीं है, कोई बात नहीं, वो इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो आपका गिफ्ट जो है हमारे तक पहुंच चुका है, तो हम गिफ्ट की कर रहे हैं अनबॉक्सिंग, और यहाँ बहुत ही बड़ा सा गिफ्ट लग रहा है, और मुझे ये फ्रेम नजर आ रहा है, ऐसे लिखा भी हुआ है ऊपर में फ्रेम, ओहो जबरदस्त, ये तो लग रहा है पूरा वृंदावन यहाँ मिल गया है हमें एकदम, ओ भाई साहब जबरदस्त, बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट है जी, बहुत ही बेहतरीन सा गिफ्ट है। तो थैंक यू जी आपके प्यारे से और बेहतरीन से गिफ्ट के लिए। अब अगला गिफ्ट खोला जाए, अगला गिफ्ट खुला हुआ है, खुला हुआ है ठीक है, कैरी बैग में है, कैरी बैग में है ओके। ये है
क्या है ये, हमें समझ में नहीं आ रहा है, आप बताएं इसे। शायद मुझे भी खोल के दिखा दिया है, बिल्कुल क्रियांश पहले ही खोल लिया है, खोल के दिखा दिया गया है। लगता है गन्नू उसमें बैठेगा। अच्छा, ये भी हमारी फैमिली मेंबर है, तो हमारी फैमिली मेंबर की तरफ से यह गिफ्ट मिला हुआ है जी। तो देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन सा गिफ्ट है। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। इस गिफ्ट को जो है बहुत ही सम्मान के साथ, बहुत प्यार के साथ रख दिया जाए बाकी गिफ्ट के पास। तो अब जी खोला जाए अगला गिफ्ट। और अगला गिफ्ट है, अगला गिफ्ट वही है राहुल भैया, जो हमारे भैया हैं मम्मी के भतीजा, बिल्कुल, तो जिनका गिफ्ट हम तभी रोक दिए थे, और उनको हम लोग जो है टुल्ली भैया बोलते हैं। तो टुल्ली भैया का गिफ्ट खोला जाए, टुल्ली भैया वाला गिफ्ट है। हाँ बिल्कुल राहुल, बिल्कुल बिल्कुल, टुल्ली भैया गिफ्ट खोला जाए। पेपर ही पेपर लगता है, जम के भरा हुआ उल्लू बना रहे हैं पेपर पर। अरे नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल हमारे बुद्धा जी, ओहो। तो टुल्ली भैया बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट है, बहुत ही बेहतरीन सा गिफ्ट है, एकदम यूनिक गिफ्ट दिया है आपने। हमने भाभी का नाम नहीं लिया है। अच्छा अच्छा, नहीं तो यहाँ जो है ना इंसाफी है, तो भाभी को ही क्रेडिट दिया था सारा। तो हो गया जी सारे गिफ्ट की अनबॉक्सिंग, या कुछ बचा भी हुआ है? ये है जिया कपड़े लेकर आई है बाबू के लिए, बिल्कुल, यह गन्नू के लिए है सारा कपड़ा। और मेरे लिए आया था साड़ी, जो कि मैंने गृह प्रवेश में के दिन पहना था, बिल्कुल, तो वहाँ भेजा गया था दीदी के जरिए। हाँ, तो ये है, जिया एक ही है। नहीं नहीं, वो एक ही है, लेकिन बताए दीदी खरीदी थी, वो गार्जियन है, उन्होंने दिया था। हाँ, और लड्डू गन्नू और क्या कहते हैं इनके लिए जो है, दीदी ने पैसे भेजे थे कपड़े के लिए, बिल्कुल, पैसे मैंने मार लिए। स्पेशली जिया लेकर आई है अपने प्यारे से भांजे के लिए, और एक पैन लिया। अब ये ना कहिएगा कि लड्डू के लिए नहीं है, लड्डू के लिए खूब सारी चॉकलेट लेकर आई थी जिया, क्योंकि उसको कपड़े से ज्यादा चॉकलेट में इंटरेस्ट है। बिल्कुल बिल्कुल, तो यह खोला जाए। और ये है साड़ी, मेरे लिए बनियान भी लाई है। वाह वाह, बहुत बढ़िया। ये साड़ी लेकर आई है मेरी नंद सोनी दीदी, ओके, जो अभी कुछ देर पहले विदा हुई है। दीदी अभी थी गिफ्ट की, जब हम लोग स्टार्टिंग कर रहे थे तो दीदी थी, वही दीदी लेकर आई है। और अब आते हैं अगले गिफ्ट पर। तो अगला जो गिफ्ट है वो खोला जाए, गिफ्ट जो कि पुट्टू भैया लेकर आए हैं हमारे। ओके, तो ये हमारे सेकंड नंबर के भैया हुए। अच्छा, इसके अंदर है पूरा ड्राई फ्रूट का, वो सोनू को बाजार जाने की जरूरत नहीं है, ड्राई फ्रूट भर गया यहीं पर। वो भी इसी हमारे घर से मिला, हमारे घर से ही मिला हुआ है, वो भी एक भाई ने दे दिया, बिल्कुल, बाबू खोलने की जरूरत नहीं, हम जान गए इसके अंदर क्या है। इसको देख लेंगे, नहीं आएगा तो तुमको खरीदना, हम तुमसे लेकर आएंगे। ये रहा, अलग अलग वैरायटी है, ये तो भैया ने दिया है मुंह मीठा करने के लिए, और भैया ने दिया है एक प्यारा सा ड्रेस, बेडशीट। अच्छा बेडशीट है, बेडशीट, ओके ओके ओके। तो बेडशीट को खोला जाए, देखा जाए कैसा है बेडशीट, बाहर से तो बड़ा ही अच्छा नजारा लग रहा है, जो है ना क्रेज रहता है बेडशीट का, कितना भी बेडशीट हो हमको लगता है कि उसे हमें भी मन करता है कि हमारे घर में डेली एक नया बेडशीट। हाँ, ये देखो, हाँ वाह, ये पूरा एकदम बहुत ही सुंदर बेडशीट दिया तुम पुट्टू, अब अगली बार ना अपने मौसी के लिए ले आना। तो जी सारी गिफ्ट की अनबॉक्सिंग हो गई, और कुछ कुछ गिफ्ट ऐसा जो हमारी तरफ से सरप्राइज है, और मम्मी की तरफ से भी कुछ है। क्या है? मम्मी दी थी मेरे लिए साड़ी, और इन्होंने जो पूजा में कुर्ता पहन रखा था वो था, और लड्डू ने जो कुर्ता पहन रखा था वो था। हाँ। और गन्नू को भी मम्मी ने कुर्ता पजामा दिया था, बिल्कुल, तो ये मम्मी की तरफ से। हाँ हाँ। लेकिन दीदी ने बोला था कि तुम मेरा वाला साड़ी पहनोगी, तो मैंने वो वाली साड़ी पहनी। उम्मीद करते हैं जी आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और जितना भी गिफ्ट मिला था जी सारे यूनिक मिले थे, सभी का प्यार था उस गिफ्ट में। और गिफ्ट तो छोटी सी चीज है जी, सबसे बड़ी बात है कि वो लोग यहाँ आए, यहाँ करके जो है अपना ब्लेसिंग दिया, प्यार दिया, और यही सबसे बड़ी बात है। तो अब ऐसा करते हैं इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, उम्मीद करते हैं आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना नहीं बोले, ताकि हमारा कोई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। हाँ जी, और हाँ जी वीडियो को एक शेयर तो जरूर कर दे, क्योंकि आपके शेयर करने से जो है बहुत सफल। तो मिलते हैं जी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।